चलिए बात करते हैं अगले कॉलर से। लखनऊ से हैं कविता जी हमारे साथ, स्वागत है आपका नमस्कार सर जी। जी बताइए यादव। सर, मैं हमेशा आपका प्रोग्राम देखती हूँ और आपके नुस्खे बहुत इस्तेमाल करती हूँ और बहुत फर्क भी पड़ता है। और आपने सर एक प्रोग्राम में ये कहा था कि जिन बच्चों के आगे से वार मतलब वार झड़ते हैं और स्किन चिकनी हो जाती है, उससे आप लहसुन लगाएं पीस के। और मैंने, मेरा बेटा 28 साल का है, उसके आगे साइडों में दोनों तरफ जो है बाल झड़ गए थे और स्किन चिकनी हो गई थी, और मैंने उस पे जो है उसको लहसुन वो पीस के लगा दिया और वो स्किन जल गई एकदम। तो जलने के बाद स्किन पे दाग पड़ गए हैं, बाल तो नहीं निकले लेकिन दाल जो दाग है ना ब्राउन जैसे जले जले होते ऐसे पड़ गया। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ सर, मैं क्या करूँ? ठीक है ठीक है। हाँ, एक तो ज़्यादा लहसुन लगा दिया आपने, और अभी इंतज़ार कीजिए, उस पर नारियल का तेल लगाते रहें, और जब भी लगाएं ज़रा सा लगाते हैं, लहसुन बहुत तेज़ होता है, एसिड है ये दरअसल, और उस पर तेल लगाते रहें, रोज़ाना मालिश करते रहें। ये जो काला सा पड़ गया है ये अपने आप छूटे तेल लगाकर, और जब छूटेगा अंदर से बाल आएंगे इसमें। ये एक तजर्बा मेरा है, आप भी इसका इस्तेमाल करके देखें। नारियल पानी पिलाएं इन्हें, नारियल पानी पिलाएं, और हो सके तो इनको एक आधा ग्राम गौंद मोरिंगा डालकर नारियल पानी पिलाएं, ये एक अच्छा इलाज है। जी नेक्स्ट कॉलर है पटना से, शबाना हमारे साथ, स्वागत है शबाना आपका। चलिए लगता है शायद आपसे हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास जरूर कीजिएगा। दर्शकों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि लाइव कार्यक्रम है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं। रोग कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये बात समझिए आप लोग, अगर आप लोग दवाइयाँ नहीं खाना चाहते हैं, ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, सेहतमंद जिंदगी अपनी गुजारना चाहते हैं, फिट और फाइन होना चाहते हैं, तो सिर्फ आप लोगों को जानने हैं वो घरेलू नुस्खे जो आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताए जाते हैं, और सीधा बात होती है आप लोगों की हकीम साहब से। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं, नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका, हेलो, हकीम साहब से बात करनी थी। जी नाम जी बताइए, कहां बताइए, से बात कर आदाब। रहे हैं? मेरा नाम विजेंद्र नाम जी। ठीक है। विजेंद्र जी आदाब, बताइए क्या सवाल है। एक तो मेरे को भूख नहीं लगती जी, और थोड़ी सी डायबिटीज भी है, और बस यही दो प्रॉब्लम है मेरे को। ठीक है, एज बता दीजिए अपनी। अच्छा, 44 साल जी। देखिए, एक सिरका आता है, जैतून का सिरका, 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3 चम्मच रात को खाने के बाद पिए, भूख भी फौरन खुलेगी और आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगी, और आप सेहत वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारे साथ राजस्थान से हैं मोहित, स्वागत है मोहित जी। जी सर, मेरी उम्र 19 साल है। हाँ 150 साल पहले सर मेरे बाएं कूल्हे में ना जैसे एक दर्द उठा था, तो वो दर्द दाएं कूल्हे में भी आ जाता है और कमर में भी आ जाता है। कई साल हो गए, 2 साल हो गए। हाँ, देखिए बहुत कम उम्र में आपको ये हुआ, और इसका फौरन इलाज करें, और मैं आपको कोई घरेलू नुस्खा भी नहीं बताता, बहुत कम उम्र है, आप कैप्सूल टी केयर रोज़ाना एक बार या दो बार खाएं नाश्ते के बाद और खाने के बाद, वज़न नहीं उठाएं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हों तो वो छोड़ दें, भाग दौड़ का काम कम करें, वज़न उठाना काम करें, तो ऐसे बच्चे बहुत जल्दी ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल, जैसा कि हकीम साहब शुरुआत में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी थी, उनके बारे में ज़रूर जानूंगी, लेकिन कॉलर इंतज़ार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पदम सिंह नाम है मेरा। क्या हेलो, हाँ क्या नाम है? पदम सिंह, PAGAM। जी, सवाल करिए, समझ में आ गया। हकीम साहब से बात करें, डायरेक्ट लाइव चल रहे जी हैं ना? जी 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 मैं बात कर रहा हूँ पदम सिंह जी, पैर पदम और पूंछ लिहारी, गांव की एक वो है ना कविता, याद है आपको, बताइए क्या सवाल है। थायराइड की शिकायत है जी। ठीक है, एज बता दीजिए पदम सिंह जी। एज मेरी 63 साल है भैया। अच्छा, देखिए थायराइड जिसको भी है, वो थायराइड की गोली खाते हुए एक नुस्खा लिख लें, और पदम सिंह नाम है आपका तो पेन और कॉपी तो जरूर, मेरा वह थायराइड की बीमारी पेन और कॉपी तो आपके पास ज़रूर होगा,
तो लिख लीजिए 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी। फिर बोलता हूँ, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम गौन मोरिंगा, 100 ग्राम गौन मोरिंगा, ये आप लें असली वाला रॉ मटेरियल लेके पाउडर बनाएं, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाएं, गर्म पानी 5 बार पिए, वो गोली छूटती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, आपके डॉक्टर के मशवरे से हर बार वो पोटेंसी कम करेगा। हर महीने टेस्ट कराएं और देखें कि आपको कितना कम होता जाता है, और बहुत जल्द थायराइड से आपको निजात मुमकिन है। जी, एमपी से अगले कॉलर हैं मोहित हमारे साथ, स्वागत है मोहित। हाँ मैम जी, बताइए। मैम मुझे पुराना बुखार है, अभी भी बुखार रहता है बहुत कम, समझ में नहीं आता, लेकिन हाथ पैर में दर्द होता है, कमर में, सिर में भारीपन रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, आंखों में पानी का आता है जी। एज कितनी है भाई आपकी? मेरी 52 है सर। 52। देखिए एक नुस्खा है, अगर आप समझ सकें तो समझ लीजिए, एक जंगली पौधा जो जगह ब जगह मिल जाता है उसे कहते हैं चिरचिटा। चिरचिटा एक ऐसा पौधा है जो उसे कोई बोता नहीं, अपना आप ही जंगली झाड़ी है, और उसमें जीरे के माफिक कांटे कांटे होते हैं, बारीक बारीक जीरे के जैसे, और लंबी सी बाल होती है, उसे चिरचिटा कहते हैं। आप अपने बच्चे से फ़ोन पर चिरचिटा लिख के उसे सर्च भी कर सकते हैं ताकि आप समझ पाएँ। इसका एक पत्ता सुबह एक पत्ता शाम चबा के खा लिया करिए, रास्तों पर मिल जाता है ये, आप बस चिरचिटा लिख लें, इसका पत्ता खाना है, और बच्चे के पास फ़ोन ज़रूर होगा, अगर आपके पास नहीं भी है तो वो चिरचिटा डाल के जैसे ही सर्च मारेगा चिरचिटे का पत्ता सामने आ जाएगा, पेड़ आप समझ लें, और कहीं भी मिल जाता है, मुफ्त का इलाज है, आप करके देख लें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। हकीम साहब, जिनका प्रश्न बहुत देर से मेरे जहन में चल रहा है, एक पेशेंट हमारे साथ अभी जुड़ी थी जिन्हें खून की कमी थी और हर रोज उनको खून चढ़वाना पड़ता था, इतनी ज्यादा खून की कमी का कारण? हाँ देखिए, ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी समस्या है, और उसमें खून, नया खून प्रोडक्ट होना ही बंद हो जाता है जी, तो वो एक प्रतिक्रिया है पूरी, वो हो नहीं पाती जी, मतलब हमारे जो खून बनने की एक प्रतिक्रिया है बहुत लंबा है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा जी, जी। हमारी पिंडली के हड्डी के अंदर जो एक चिपचिपा पदार्थ है जी जी, उससे खून बनता है, और जब वो बनता है तो उसकी एक पूरी प्रतिक्रिया है, जब तक वो एक्टिव नहीं होता जब तक खून बनना मुमकिन नहीं है, और इसका बराए रास्त ताल्लुक लीवर से होता है, तो इन दोनों का अगर तालमेल ना हो तो हमें ये रोग हो जाता है, और ये बहुत ख़तरनाक रोग है। रोज़ तो खून नहीं चढ़वाना पड़ता, लेकिन जब भी कम होता है तो हमें खून चढ़वाना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने उसका बताया था जी बिल्कुल, और वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो मुमकिन फ़ायदा हो जाए। आइए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, चलिए लगता है शायद आपसे भी हमारा संपर्क टूट गया है। तो दर्शकों, अगर बात करें हम अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा इसकी फ्रेंचाइजी देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर और रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो सीधा आप सभी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग अपने जीवन की अहमियत जानते हैं दर्शकों, अगर आप लोग अपने जीवन को एक सही दिशा दिखाना चाहते हैं, जीवन का सुखद अनुभव करना चाहते हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपका सेहतमंद रहना। अगर आप रोगग्रस्त व्यक्ति हैं या फिर आपका कोई रोग ऐसा है जिसका इलाज हो पाना नामुमकिन सा हो गया है, या फिर आप लोग अब ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं, ऑपरेशन की नौबत आ चुकी है, डॉक्टर्स ने कह दिया है सिर्फ ऑपरेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन है, तो आप सभी से कहना चाहूंगी, रुक जाइए, ठहर जाइए, एक बार हमसे जुड़िए, फिर देखिएगा, क्या पता आपको ऑपरेशन ना करवाना पड़े। तो चलिए इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, हम उधमपुर से बोल रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम है भगवान सिंह। जी भगवान जी, बताइए। सर मेरे को प्रॉब्लम है थोड़ी, एक साइड में गुर्दे में दर्द होती है जी। तो थोड़ी इन्फेक्शन भी है अंदर से, कोई पस भी चलती है कभी कभी।
तो उसका कुछ बताइए नुस्खा। वो एज बता दीजिए भगवान जी। सर मेरी एज है कोई 35 साल। ठीक है, गुर्दे का बहुत ख्याल रखते हैं। नारियल पानी, एक नारियल पानी रोज खरीदें, और उसमें एक आता है नमक जैतून, जैतून का नमक कहलाता है, यानी एस्टेक जैतून या रसायन जैतून भी कह सकते हैं। 100 ग्राम खरीद लीजिए और ये दो चुटकी में जितना आए, यानी आधा ग्राम समझ लीजिए, आधा ग्राम आप एक नारियल पानी में डालें और रोज़ाना पी लिया करें। गुर्दे की तरफ से बेफिक्र हो सकते हैं आप, और गुर्दे पर तवज्जो ज़्यादा दिया करें। इस दौर में गुर्दों की ख़राबी बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर हॉस्पिटल जाओ तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया डायलिसिस पर है। आप इस पर ख्याल करिए और रोज़ ये अमल कीजिए, और 5 बार गर्म पानी पीजिए, 5 बार। पानी थोड़ा ज़्यादा पिया करिए, 2.5 लीटर करीब अगर आप पानी रोज़ पिएंगे तो आपकी ये समस्या का निवारण मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं चेन्नई से, रजिया हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी जी, मैं डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ। जी जी रजिया, अस्सलाम वालेकुम, बताइए। वालेकुम सलाम सर, मेरा बेटा 22 साल का है, 22 ईयर्स का है। 22 साल का बेटा? हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो बड़ा हमें आसानी हो जाएगी। मेरा बेटा 22 ईयर्स का है सर जी। इसको लास्ट ईयर से पैर पे फोड़े आए हैं, छोटे छोटे फोड़े आए हैं। कहाँ पर? पैर पे, पाँव पे, लेग पे, एड़ी के ऊपर पे। ठीक है, और कुछ बोलना? तो मैं डॉक्टर के पास बताई हूँ, एंटीबायोटिक दिए है, मगर ये थोड़ा लेट से कम होता, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है बोलते बोले, सॉक्स छोटे सॉक्स पहनो बोलते बोले, वो करे स्कैन भी निकाले पैर का, यहाँ से ऊपर पेट के पास से नीचे तक पैर का स्कैन निकाले है, कुछ भी नहीं, पूरे नॉर्मल है, रिपोर्ट थायराइड शुगर तो नॉर्मल है, मगर वो लेट से कम होता बोल के बोले, 1.5 ईयर हो रहा, अब आके वो फोड़े आके घट पत्थर के सर के बने हैं, तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं उसको इंजेक्शन दे के उसको कम करना बोलते बोल रहे हैं। से कुछ प्रॉब्लम है फ्यूचर में? नहीं, आपके पास कोई नुस्खा है? ठीक है, बताइए। हाँ देखिए, एक नुस्खा है बड़ा अच्छा, और आप समझ लीजिए वो क्या है। ये जो कलौंजी आती है ना हमारे किचन में, कलौंजी आप भी यूज करते होंगे, इसका नमक आता है। अच्छा, वो जायके में नमकीन नहीं होता लेकिन देखने में नमक होता है, ये उसका एस्टेक होता है, यानी उसके जो दबाव वाले गुण हैं वो होते हैं। देखने में सफ़ेद, जायके में खारे पानी जैसा, पानी में मिला लीजिए, आधा ग्राम रोज़ाना एक गिलास पानी में मिलाइए, बच्चे को पिलाया करिए, और एक गिलास पानी में मिला के पिलाएँ और 2 गिलास पानी उसके बाद पिलाएं, ऐसी 1 या 2 खुराक रोज़ाना दिया करें, आपके बच्चे बिल्कुल प्योर हो जाएगा, उसका खून वगैरह, स्किन और ये जो आबले उनके हुए हैं और ये फोड़े वगैरह, इनके लिए ये विश्व का अच्छा इलाज माना जाता है। आप इसे इस्तेमाल करें और बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है।